दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपर स्टार्स को अपनी पहली फिल्म करने के लिए कितने रुपए मिले थे तो चलिए शुरुआत करते हैं देखते रहिएगा है पूरा वीडियो सबसे पहले अगर बात करें दिलीप कुमार साहब के बारे में तो दिलीप कुमार साहब की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा और इस फिल्म में काम करने के लिए दिलीप साहब को बारह सौ महीने की फीस मिली थी अब फिल्म कितने महीने में कंप्लीट हुई ये कोई नहीं जानता वही बात करें धर्मेंद्र साहब की तो दोस्तों धर्मेंद्र साहब की की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे और आपको जानकर हैरानी हो पहले फिल्म के लिए सिर्फ इक्यावन रुपए की फीस मिले थी और फिल्म के तीन प्रोड्यूसर थे तो तीनों प्रोड्यूसर ने सत्रह सत्रह रुपए मिलाकर धर्मेंद्र साहब को इक्यावन रुपए दिए थे वही दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन साहब को पांच रुपए की फीस मिली थी बात करें संजय दत्त की तो दोस्तों संजय दत्त को अपनी पहली फिल्म रोकी के लिए ग्यारह हज़ार रुपये का चेक उनके ही पिताजी ने दिया था वही दोस्तों बात करें सलमान खान की तो सलमान खान की पहली एज ए हीरो फिल्म थी मैंने प्यार किया इस फिल्म के लिए इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सलमान खान को इकतीस हज़ार की फीस दी थी लेकिन बाद में फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो फिर जाकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने सलमान खान को और चुमालीस हजार रुपये दिए थे वही बात करें आमिर खान की तो दोस्तों आमिर खान की पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक और इस फिल्म में काम करने के लिए आमिर खान को हजार रुपए महीने की फीस मिली थी अब फिल्म कितने महीने में कंप्लीट हुई मुझे नहीं पता वही बात करें शाहरुख खान की तो दोस्तों शाहरुख खान टीवी जगत का एक पॉपुलर फेस थे जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री नहीं ली थी ना उसके पहले और शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी राजू बन गया जेंटलमैन और इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को पच्चीस हजार रुपए की फीस मिली थी बात करें अक्षय कुमार के तो दोस्तों आपको बता दे अक्षय कुमार ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी जिसका नाम था दीदार जी हाँ दीदार फिल्म भले बाद में रिलीज हुई लेकिन अक्षय कुमार ने यह को पांच हजार रुपए की फीस मिली थी बात करें अजय देवगन की तो दोस्तों अजय देवगन ने पहली फिल्म बनाई थी फूल और कांटे जिस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट शायद उनके ही पिताजी वीरू देवगन ने किया था और इस फिल्म के लिए अजय देवगन को फीस मिली थी पाँच हजार रुपये हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल को अपनी पहली फिल्म के लिए कोई फीस नहीं मिली थी क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उनके पिताजी धर्मेंद्र थे वही दूसरी तरफ ऋतिक रोशन को भी अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कोई फीस नहीं मिली थी क्योंकि उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके ही पिताजी थे हालांकि दोस्तों इन सभी स्टार्स में आपका फेवरेट एक्टर कौन है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें